बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरोक सरदार अख्तर जान मेंगल वती लोक सरयाब रोड खाराना उसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कनना गुश्तग तावादन बलोचुलुसा ये फियाबो दरवसीला ने वाक इख्तियार देग नबुतग अमावादन मा इच्छिन मजन इन मनसूबा पर लमर्जी न कना चाहोली रोचान दरवसीला पुर इन सूबे उलुसा आई यक देग नबुतग ओवा में यक्का ने गिरग यात्रा बी एन पी चाहोली रोचन बलोचिस्तान उलुस यक्का ने गिरग जोदोजोद कन गंद हमें दरगा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी जू तंज जूत इस्लामाबाद ए पी सी लौटैनी रोज़ अव्वल से 1948 से जब से ये मुल्क बना हुआ है आप देखें 1953 में आपसे गैस दरियाफ्त की गई और 1963 में यही गैस मुल्क के कोने कोनों तक पहुंची लेकिन सन ऑफ सॉयल पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं करता जहां से वो गैस दरियाफ्त की गई आज दिन तक वहां उस खित्ते के बासी जो है उस गैस से महरूम है। मैं हम आइंदा आने वालों दिनों में इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में कतर नज़र के उनका ताल्लुक किस इलाके से किस सूबे से वो फेडरेशन की पार्टी हैं या इलाकाई सतह की पार्टी हैं या सूबाई सतह की पार्टी हैं हम उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड लेते हुए उस एपीसी में उनको दावत देंगे। इन तमाम खदशात को हम सामने रखते हुए उन पॉलिटिकल पार्टियों से जो दबे अल्फाज में बलूचिस्तान के लोगों से हमदर्दी जतलाते हैं उनको भी हम ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे। मेन जो हमारे इसका काउंसिल सेशन के जो फैसले थे तो जिसको हम सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल कैबिनेट नाम है उसकी तस्दीक तोसी की गई तो यही एक फैसला था जिसके लिए तमाम पार्टी के दोस्तों को जो तैयारी की हिदायत की गई है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुकम्मल तैयारियाँ करें। आइए गुशगत माँ देम रवि मुखालिफ नया माँ बलोचिस्तान ए वड़िन देम रवि न लोटन खेचा ए वड़िन देम रवि बलोचिस्तान और बलोच राज अकलियत बदल बे बीत खुद उनके उस अमल से पता चलता है कि ये तरक्की जो है बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं ग्वादर के लोगों के लिए नहीं कई किसी औरों के लिए तो किसी औरों की तरक्की की हमने पहले भी मुखालफत की है वो तरक्की जिसमें हमें बिल्कुल हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाए हमें अपने इलाकों से बेदखल किया जाए हमने उसकी मुखालफत की है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अंदाज में पहले भी किए और अब भी करते रहेंगे। बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी जो गुज़िश्ता 68 सालों से चली आ रही है और जिसकी वजह से आज जो है यहाँ पर लोगों में जो है बगावत खड़ी हुई है और उस बगावत को रोकने की बजाय उसको हल करने के बजाय आपने एक और जो है कंट्रोवर्शियल मामला आके खड़ा कर दिया तो इससे लगता है कि आप बलूचिस्तान के मसलों को हल करना नहीं चाहते आप बलूचिस्तान के मसलों को और उलझाना चाहते हैं। मरी ऐदनामा 12 आई गुशगत मरी या बर्फ कब तक तावादा ने बर्फ आप ही बंद गुड़ा मरी ऐदनामा रास्ते नक्स बलोच चुल से देमा कैद कैमरा टीम अमराइया आसिफ बलोच वश न्यूज़ क्वेटा।